प्रधानमंत्री मोदी भले ही वंदे भारत ट्रेन का उद्घाटन कर रहे हों और प्रदेश के मुखिया कमलनाथ छिंदवाड़ा मॉडल की तारीफ करते हों, पर प्रदेश के बड़वानी में आज भी एक गांव ऐसा है जहां लोग मूलभूत सुविधाओं को तरस रहे हैं। यहां लोग बिजली पानी के अलावा शिक्षा, शौचालय और आवास के लिए आज भी मोहताज हैं। पहले यहां एक आंगनवाड़ी केंद्र भी खुला था, लेकिन सुविधाओं के अभाव में उसे भी बंद कर दिया गया है। स्कूल जाने के लिए गाँव के बच्चों को कई किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है, जबकि गाँव में पीने योग्य पानी 2 से 3 दिन में एक बार ही आता है। वहीं इस मामले में जब नगरपालिका अध्यक्ष लक्ष्मण चौहान और सीएमओ कुशवल सिंह से बात की तो उन्होंने भी इस वार्ड को मुख्यधारा से जोड़ने की बात कही। क्या नाम है तुम्हारा? कविता। कहाँ रहते हो? ये वार्ड नंबर 10 में? हाँ, वार्ड नंबर 10 में। स्कूल कितनी दूर है यहाँ से? बहुत दूर है। तो जाते हो तुम स्कूल? पहले जाते थे, अब नहीं जाते, बहुत दूर है करके। कहाँ तक पढ़ाई करी? 8वीं तक। 8वीं तक उसी स्कूल में आते थे? अब क्या दूर पड़ती है स्कूल? हाँ, दूर पड़ती है और दिक्कत भी देती बहुत। क्या समस्याएं जाती हैं? बरसात में नाला जाता था, दिक्कत पड़ती है। मतलब 2-3 महीने नहीं जा पाते स्कूल? हाँ, नहीं जा पाते, इसलिए हम जाते नहीं। छोड़ दी फिर स्कूल? हाँ, फिर छोड़ दी। यहाँ पे आंगनवाड़ी लगती है क्या? पहले लगती थी, अब नहीं लगती है। वहाँ उधर लगती है, उस मोहल्ले में। आप 10 नंबर वार्ड की बात कर रहे हैं? जो वहाँ पर हम लोगों ने अभी हाल ही में पिछले महीने में एक पुलिया का निर्माण करवाया है, और अप्रोच रोड चूंकि बहुत अच्छी स्थिति में नहीं था, हमने जेसीबी से कल और परसों 2 दिन हमने दोनों साइड में 3-3 फीट के आसपास ड्रेसिंग करा, और वहाँ पर हम लोग वो मुरम वगैरह डलवाने वाले हैं। तो मुरम डल जाएगा तो हमारा, जैसे कि पेयजल की वहाँ पाइपलाइन नहीं डली हुई है, बहुत सारी चीज़ें नहीं है वहाँ, लाइट के भी पोल डले हुए हैं, तो लाइट लग जाएगी और हमारी कचरा गाड़ी नहीं जा पा रही, तो वो रोड अप्रोच ठीक होने से वो हो जाएगा। और हैंडपम्प के हमने गर्मी के दिनों में पिछले साल थाले वगैरह बनाए। हाँ, ये जरूर है कि बहुत सारी मूलभूत सुविधाओं से वो वार्ड वंचित है, और परिषद में इस बारे में समय समय पर चर्चा भी होती है। 22 तारीख को फिर परिषद की बैठक में वहाँ भी ये मुद्दा आएगा।